गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, लेसन 11। इसके पहले के लेक्चर में हमने कर दिया था एक्सरसाइज फर्स्ट, एक्सरसाइज सेकंड, लेसन 11 की हमने करवा दी थी। बाकी थर्ड और फोर्थ आपके लिए छोड़ा हुआ था कि आप करेंगे वॉइस में। आज मैं नए लेसन की बात करूंगा बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो ये होता है वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगा स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगा स्टूडेंट, वो उसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। दैट इज नोन एज व्हाट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्लियर हो रही बात? दैट इज नोन एज व्हाट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। जब मैं बेटा वर्ब की बात करूंगा, वर्ब का मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब। जब मैं वर्ब की बात करूंगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो टेंस में आपने पढ़ा है, टेंस में जिस हेल्पिंग वर्ब की बात हमने की है स्टूडेंट, उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसी वर्ब की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। आई होप कि आप सारे लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ, अब हम लोग बात क्या करेंगे, अब आज हम लोग क्या बात करेंगे। नंबर एक, कुछ रूल्स देखेंगे बेटा, कुछ हम लोग रूल देखेंगे। और रूल नंबर फर्स्ट आप अपनी कॉपी में लिखेंगे स्टूडेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअली कुछ नहीं है, एक तरीके के सर रूल से के सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे, रूल फर्स्ट लिखेंगे, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट connects with and, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट है, देन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब फॉलो। बेटा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा अगर कोई दो सिंगुलर सब्जेक्ट बेटा एंड से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल से काउट करेंगे, दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से कनेक्ट है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। सी द एग्जाम्पल नाउ, एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे रवि एंड सीता आर गुड फ्रेंड। अब यहां पर देखेंगे स्टूडेंट, यहां पर जो देख रहे हैं ना, आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और सीता और ये सिंगुलर हेल्पिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने यही कहा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है और एंड से कनेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा। ये सिंगुलर हेल्पिंग सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से कनेक्ट होंगे, दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से कनेक्ट होंगे तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। इस चीज को ध्यान रखना आपको। नोट कर लीजिए, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट होंगे बेटा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। आप ये देखेंगे ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, आर जो होता है बेटा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए रूल नंबर सेकंड की बात करें, आइए स्टूडेंट रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे। रूल सेकंड, लिखेंगे व्हेन टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, when two are more singular subject is connected
बेथ, इधर आर, नीदर नॉट। अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट इधर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड है, इधर आर या नीदर नॉट है, देन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विल फॉलो। बेटा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब फॉलो करेगा। सी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे। इधर रवि और सीता, इधर एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, इधर रवि और सीता टीचर, इधर रवि और सीता इज टीचर, नीदर सी नॉट हर, नीदर सी नॉट हर, नीदर सी नॉट ही इज डॉक्टर। तो स्टूडेंट अगर देखेंगे इधर और नीदर नॉर से सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड है, तो उनके बाद जो वर्ब आएगा बेटा वो प्लूरल नहीं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ये आप देखेंगे यहाँ पे शी और सीता और ही सिंगुलर है, रवि और शी सिंगुलर है। इधर और नीदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट अगर कनेक्ट होंगे तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी, उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। इस चीज का ख्याल रखना है आपको। ये सारे रूल्स बेटा आपको पढ़ने रहेंगे, रूल पढ़ेंगे आप स्टूडेंट, उसके बाद ही एक्सरसाइज को आप टच कर पाएंगे, एक्सरसाइज आप कर पाएंगे। इस चीज को आप ध्यान देना। आइए नेक्स्ट बात करेंगे रूल नंबर 3 की। आई होप कि आप सारे लोग कर चुके होंगे। अब बात हम करेंगे रूल 3। लिखेंगे वे टू नाउ इज कनेक्टेड विथ, व्हेन टू नाउन इज कनेक्टेड विथ कनेक्टेड विथ, यहां पे लिखेंगे विथ एज एज वेल एज देन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वेलकम। बट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है अगर इविथ या एज वेल एज से कनेक्ट होंगे तो। आई एग्जाम्पल चेक कर देते हैं। जैसे लिखेंगे द चीफ विथ ऑल मैन वॉज किल्ड, ठीक है ना। रवि एज वेल एज रेखा, रवि एज वेल एज रेखा लाइक सिंगिंग। तो एग्जाम्पल स्टूडेंट आप देखेंगे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है, जब एज वेल एज या विथ से कोई भी दो नाउन कनेक्ट हो रहे हैं, कोई भी दो नाउन अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जा रहा है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये रूल नंबर 3 था।
रूल नंबर फोर देख लेंगे। सम नाउन व्हिच आर सिंगुलर सॉरी प्लूरल प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, द न्यूज इज करेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मैथमेटिक्स इज गुड सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में तो आपको प्लूरल नजर आएंगे लेकिन एक्चुअली मीनिंग के साथ वो सिंगुलर होते इसलिए उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे मैथमेटिक्स आप देखेंगे, न्यूज देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि प्लूरल हैं क्योंकि लास्ट में एस लगा ऐसा नजर आएगा आपको, लेकिन एक्चुअली प्लूरल नहीं है ये सिंगुलर सेंस के साथ आते हैं और इसलिए इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल और हैं जो कल बताएंगे बेटा। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू ऑल।